and the family, for both myself and for the children. So as the years that you invest, obviously there's several facilities and luxuries that come into life. Lekin kya kahenge aap, bahut sari youth hai is waqt jo hame dekh rahi hogi, hamare viewers hain, they're always like, अगर उनके पास जॉब्स मार्केट में निकलने के बाद दो चॉइसेस हैं कि देयर इज अ प्राइवेट सेक्टर जॉब एंड देयर इज अ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, अब रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है. यानी हमारे फादर्स की जनरेशन प्रेफर करती थी कि जी जॉब सिक्योरिटी हो, या फॉर अदर वेरियस रीजंस एंड फॉर पेट्रियोटिक रीजंस एज वेल दे वुड वांट टू सर्व द कंट्री. आज की जो यूथ है वो पैसा, जल्दी से अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, फॉरेन ट्रैवल्स, इन सब चीज़ों को देखती है. क्या एडवाइस होगी आपकी उनके लिए? नहीं, देखें, एक तो बात ये माननी पड़ेगी आपको कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, जिसे आप कॉरपोरेट पाकिस्तान कहते हैं. एक तो मल्टीनेशनल्स की बहुत बड़ी मकदार में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आई, और उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आई. अब आप टेलीकॉम का एक रेवोल्यूशन देखें जो आया पाकिस्तान में, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर ने जिस तरीके से उसकी प्रोलिफरेशन हुई, और उसमें आपको जो मराहतें मिली कि आप लीजिंग भी कर सकते हैं, आप लोन्स भी ले सकते हैं, तो वो ये सब चीज़ें, दिस हैज़ हेल्प्ड द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी मोर, जिसे कहते हैं ना, aggressive in not in the sense of negativity, but they have become much more ambitious. Mm-hmm. Ambition is something which is admirable. You can admire ambition if it is matched with your work. So there is nothing wrong with ambition. To agar hum ek environment create kar dein jisme jo log kaam karne wale hain unko apne ambition fulfill karne ka mauka mile, to main kehta hu there is nothing better we can do for our young generation. But then they say that a lot of people confuse ambition with money. Unka khayal hota hai ji ambition ka matlab hai, aur hum unfortunately kisi bhi insaan ki success ko bhi aise hi measure karte hain na ji, tarakki yafta hai kyunki usne ghar bana liya, itni tankha leta hai, itni badi gaadi hai uske paas. गवर्नमेंट सिस्टम में हमारे यहाँ मिनिमल पे आप देखें नो वे मैचेस, यानी किसी भी ग्रेड 17 के अफसर की भी अगर तनख्वाह देखी जाए, जो उसका काउंटर पार्ट प्राइवेट कैपेसिटी में ले रहा होगा, वो वैसे नहीं अर्न कर पा रहा. डू यू थिंक दैट हैज़ एक्चुअली कॉज्ड द गवर्नमेंट नॉट टू बी एबल टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ ह्यूमन कैपिटल? देखें, किसी हद तक आप सही कह रही हैं. ये जो ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस जिसे आप कहते हैं, उसमें इट्स ऑल कम्पिटिटिव. आज भी जो लोग सिविल सर्विस में आते हैं, दे कम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड ऑल दैट. तो अब इसका बहुत ही इन्हिसार होता है कि आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड्स क्या है. अच्छा, अगर आपकी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, अब आप देखें कि अब मैं अपना ही बैच देख लूँ, तो उसमें बेशतर लोग दे केम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, बट दे वर आउटस्टैंडिंग इन द स्टडीज, बिकॉज नो मैटर वेयर दे स्टडीड, द स्टैंडर्ड वॉज सो हाई. आई एम टॉकिंग ऑफ द अर्ली 70s. तो वो उसके साथ साथ जब वो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आते हैं, एंड देन देर इज दिस यू नो मोटिवेशन टू वर्क फॉर योर कंट्री एंड टू सर्व योर कंट्री. बट हमारे लोगों में से किसने तो गवर्नमेंट के लिए काम करना है ना, तो अब चॉइसेस हैं. मुमकिन है उस वक्त ये चॉइसेस नहीं थी जो आज हैं, और आज चॉइसेस इतनी अट्रैक्टिव हैं, लुक्रेटिव हैं, कि पीपल वुड रादर वर्क फॉर द प्राइवेट सेक्टर देन द गवर्नमेंट. बट देन द गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद सम यू नो अट्रैक्टिव लुक्रेटिव यू नो वे ऑफ लोअरिंग दीज यंग पीपल हु आर टैलेंटेड. तो मैं समझता हूँ उसमें भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज देर आर अदर वेज ऑफ हेल्पिंग द गवर्नमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि अब आप देखें, आज एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन विद द प्राइवेट सेक्टर, वी टेक देयर, वी कंसल्ट देम, वी टेक देयर यू नो वट एवर एडवाइस दैट दे हैव ऑन हाउ टू गो फॉरवर्ड. इट्स नॉट दैट वी एक्ट ऑन आवर ओन, it's a consultative process through which we go and we take into confidence all the stakeholders.
और आप जब उनसे बात कर रहे हैं आजकल, तो जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि दो रुख होते हैं किसी भी तस्वीर के या किसी भी कहानी के, एक वो जो हम आजकल टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं जो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में ग्लूमी भी है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड भी होता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन बहरहाल रिपोर्टिंग है, वो माशरे के कुछ तकलीफदेह पहलू भी दिखा रहे हैं। आप जब बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी से, स्टेक होल्डर्स से, उनके क्या इस वक्त ख्याल आते हैं? आर दे होपफुल, आर दे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री? यू नो, एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अब हमारे कुछ मसाइल हैं जो कि कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। वी कांट जस्ट क्लोज आवर आईज एंड से कि ये दीज डू नॉट एग्जिस्ट। इस वक्त हमारा एनर्जी का बेसिक और एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि जो ही ये हम मसले से हम इसको हैंडल कर पाएंगे और हमारी जो सी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी, द कंट्री विल बाउंस बैक एंड द बिजनेसेस विल बाउंस बैक एंड यू विल सी दैट देयर विल बी सो मच ऑफ यू नो बॉयंसी इन दिस इकॉनमी कि इट विल टेक मे बी अ ईयर और टू दैट वी वुड बी बैक ऑन आवर यू नो फीट एंड moving forward very very you know jaise ki aapne kaha ki uske andar mere khayal mein the key strategy right now is to look at the region create ab aap dekhe na ye government ki ek badi achhi initiative tha jo ki india ke sath unhone shuru kiya aur ek normalization ka process wo bhi aap dekhe where we are today in one year nobody could imagine ki they made a very strong statement again the last delegation head he said the muslims in turkey need not be scared of secularism. हमारे यहाँ भी हम कुछ मिले जुले तासुरात से गुजरते हैं, हम किस तरफ बेंड कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ों की इंटरप्रटेशन गलत करते हैं, यानी उसका जो समझ बूझने का तरीका कार मुख्तलिफ होता है। देखिए, सेकुलरिज्म हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन द वर्ल्ड than the way we look at it. Secular means के आपका जो state है it has to be run in a very non-religious manner. ठीक है, which is secular. But your own personal life you can conduct the way you want, whether you want to conduct in a totally very orthodox Islamic way or you want to आप देखें Turkey में Jews भी हैं। So you mean that the religion is Jews bhi hain, Christian bhi hain, there are so many different religions and they are have equal rights, equal tolerance, there's no issue. Predominantly I would say 97% of the or 95% of the population, no I think 97% of the population is Muslim. But they tolerate everything. Sahi. They tolerate all religions, they tolerate people in their own religion which is Islam, because religion, the practice of religion itself is your personal affair and it has to be about peaceful coexistence. Aap kisi bhi religious belief ko follow karte ho, koi bhi aapka code ho of life, it doesn't make you a bad nationalist. Yani hamare yahan bhi jaise hum pakistani hone ka fakhr jo hum karte hain, nahi, sabse badi baat ye hai ki jo hamara jo religion hai Islam, isse khoobsurat koi religion hai hi nahi. इसमें जो बातें आपको सिखाई जाती हैं और जो आपको कहा जाता है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, आप बग़ैर मुस्लिम कहे आप अगर उन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होगा। सही, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो पहले आपको अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि उसके जो काम करने के तरीके बताता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस्तवार किया और फिर आगे लेकर चले इस्लाम को फैलाया, तो क्या था अपने कॉन्डक्ट के ऊपर ना, वो सिर्फ अपने एक्शन से बताते थे कि किस तरीके से आपने अपने आप को अपनी ज़िंदगी को। एब्सोल्युटली तारिक साहब, और मेरे ख्याल में यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। मेरे ख्याल में यू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एज वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर ऑनेस्ट एंड यू आर हार्ड वर्किंग देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर एंड हियर इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, बिकॉज लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड यू डोंट नो व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट। तो फिर हमने कहा कि आपके लिए भी हम लेके आए जरूर। इट्स अ मिक्स बैग एंड वी So hope you have that some, every so ending you have would some be a dark sweet chocolates ending for you. And some, you know, light chocolates. And sometimes with nuts, sometimes with bigger nuts, so you can have a similar problem no, but, there. Thank you very much. It's been a pleasure talking to you. Same here, sir. And I hope and wish that you know we
all Pakistanis can do as much as we can within our potential to take this country forward. I think that's a brilliant note. That is something that you need to be thinking about. Iske bare mein aapki comments or feedback ka bhi hame intezar rahega. Aapki screens pe hai ji hamara email address, saath hi saath hamara Facebook address. Zarur batayega ki aaj ki ye guftugu aapko kaise lagi and what was the most touching part of it? Kaun si baat hamesha ki tarah aapke dil pe jaake lagi hai? I hope that I'm going to get a lot of comments in this regard. Agle hafte aapse phir mulaqat hogi ek naye office mein ek nayi shakhsiyat ke saath aur ye janenge ki let's go beyond their title and find out the person that is behind that title. Isi ke saath mujhe yani Sidra ko ijazat dijiye. Take good care. Allah Hafiz.